गाइस, Hey guys. आज हम करने वाले हैं मिनी फूड चैलेंज। आपको पता है हमारे पास कितनी सारी मिनी 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 सामान है, बहुत सारा। आपको दिखाते हैं कहाँ से स्टार्ट करें। लड्डू स्टार्ट, मेरे को जो सबसे क्यूट लग रहा है मैं उससे स्टार्ट करूंगी। गाइस, सबसे क्यूट है ये आलू, देखो कितना छोटा सा। ऐसा मन कर रहा है इसको तो ऐसे ही कच्चा खा लें। और दूसरी चीज पता है क्या है सबसे क्यूट, छोटी सी भिंडी जो अभी हम ना सच में बनाने वाले हैं। सब आप देखते जाओ, पूरी वीडियो देखना गाइस, आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। और ये हमारी सबसे छोटी मिर्ची, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची भी यूज नहीं करेंगे, छोटी हरी मिर्ची यूज करेंगे। सबसे पहले लड्डू क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ब्रश। लड्डू करेगी, मैं नहीं करूंगी, ये मिनी है ना तो सारे काम मिनी मिनी ये करेगी, बनाऊंगी मैं। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं किससे, ब्रश से काम। गाइस आप पहले देखिए हमारा ये वाला एरिया देखो, इसमें लड्डू डुबकी मारेगी, इसको लड्डू अभी भरने वाली है पूरा, जो कि बहुत बदबू आने वाली है। और ये छोटा सा टॉवल हमारा, सच में है, हमारी सोप और ये टूथपेस्ट, फेस वॉश, सब कुछ मिनी है। मिनी हेयर ड्रायर जो कि असली में चलता नहीं है, मिनी कॉम और ये मिनी ब्रश। आप सोच रहे गाड़ी कहाँ से आ गई, असली बात तो ये है, ये मिनी ब्रश है। इस हमारे घर के चौकीदार गिर गए हैं, देखो देते हैं सबसे पहले तो ये हमारा सबसे फेवरेट, ये बंदर मामा है ना लड्डू। और ये लड्डू की साइकिल खड़ी है, ये इस पे रोज जाती है घूमने के लिए बैठे। अभी फिलहाल इसमें पंचर हो चुका है बट स्टिल ये चला पाती है इसको बहुत अच्छे से, हाथ छोड़ के चलाती है। और ये गाइज हमारे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान, ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे घर में बड़े VIP गेस्ट आते हैं। देखो एकदम बॉन्ड है, आपको पता है ये मैं लाई थी मेले में से 50 रुपीज का सेट। ओके, ये हमारे बर्तन मैंने अभी धुल के सब बर्तन लगाया हुआ है। और ये लड्डू और मेरा कप है, इसमें हम चाय पानी सब इसी में पीते हैं। गाइस हम बहुत बचत करते हैं, ज्यादा हम सामान यूज नहीं करते हैं। ये हमारा सब्जी बनाने का है, ये हमारा बिस्लरी का वाटर बिल्कुल ताजा, लो लड्डू पी लो, प्यास लग रही होगी तुम्हें, जल्दी पी जाओ पूरा पानी। ये और ये है ऑयल, और ये हमारा खाना बनाने का पानी, आटा, पोटैटो, और यहाँ पे चम्मच और रोटी बनाने के लिए फोक, और एक और चम्मच, और ये क्या बोलते हैं, चिमटा, नाइफ, और पलटने के लिए रोटी, पलटा। और ये बनाने स्टार्ट करते हैं। ओह गाइस, कॉफी देखिए, कॉफी मग, कॉफी हमारी सच में कॉफी है गाइस, झूठ नहीं बोल रहे हैं। वाटर दूध रखा है, देखिए हम आपको दिखा भी सकते हैं, देखिए भैंस का दूध है ताजा एकदम। जल चुकी है, हमने इसमें डाला है दूध, और ये डालेंगे हम अब चीनी, और ये डालेंगे कॉफी, और ये इसको चला देंगे। हमारी बन चुकी है, और ये हमारा छोटा सा चिमटा, हम इससे पकड़ेंगे बहुत ही केयरफुली, और इसको उतार कर सीधा अपने, इसको हटा देते पहले गाइस, ये बहुत गर्म, और सीधा कप में कॉफी डल गई हमारी, और ये अब हम कॉफी इसको रख देते हैं यहाँ पर, और हम कॉफी पियेंगे। वाह लड्डू वाह, टेस्ट करके देखो, थोड़ी सी मीठी है बट मजेदार है ना, मुंह कैसा बना रही हूँ। कॉफी हमने पी लिया, टाइम हो गया हमारे नाश्ते का, बहुत तेज भूख लगी है, आलू के पराठे बनाते हैं अब हम नाश्ते में, फटाफट से आटा गूंथ लेते हैं। तो गाइस वैसे आटा मैं गूंथ लेती हूं, गूंथो अच्छा, ये मुझे काम करना पड़ेगा, आटा वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी हमारी छोटी सी बाल्टी में, तो गाइस वैसे भी हाथ थोड़े गंदे होंगे, चीनी
इसमें हम इसमें पानी डाल दिया तो फटाफट से आटा गूंदे की लड्डू। इसमें हाथ भी कम गंदे होंगे, तीन उंगलियों से गूंदना पड़ रहा है इस छोटी सी में हमें। तो फ्रेंड्स आटा आटा थोड़ा थोड़ा गूंद चुका है। मैंने आटा गूंद दिया है, देखो कितना अच्छा गूंदा है मैंने आटा, आप देख सकते हैं। वाओ, फटाफट से आलू बॉईल कर लेते हैं। ये हमारा पानी रख दिया और इसमें हमने डाल दिए आलू छुटकू छुटकू। तो बस ये आलू हमें बहुत होंगे क्योंकि ज्यादा खाना हमें बनाना नहीं है। टाइनी टाइनी आलू, आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। देखो लड्डू चेक करके, आलू बॉईल हो गए क्या? बॉईल तो हो गए आलू, बॉईल हो गए, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। छील रहे हैं आलू के पराठे की स्टफिंग बनानी है क्योंकि हमें हमारा डस्टबिन कहाँ गया? गाइस हमारा मिनी डस्टबिन देखिए जरा कितना क्यूट है। तो फ्रेंड्स हमने आलू फोड़ लिए हैं यहाँ पे, अब हम डालेंगे इसमें स्पाइसेस, थोड़ा सा नमक और फिर थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ी सी डालूंगी, मुझे बहुत गंदी लगती है मिर्ची वाली, और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी बस, फटाफट से इसको मिक्स कर लेते हैं। गाइस ये हो गई है मिक्स, अब फटाफट हम यम्मी यम्मी बना लेते हैं आलू। ये हमारा आटा, ये हमारी स्टफिंग, ये हमारा बेलन और ये हमारा चकला। अब हम बनाएंगे आलू का पराठा। चलो टेस्टी टेस्टी खाएंगे आलू का पराठा। अगर इतने इतने पराठे मेरे को कोई खाने को दे देना, मैं उसको थका दूंगी, सुबह से शाम तक खाती खाती रहूंगी। गाइस हमने इसमें स्टफिंग भर दी है और फाइनली बहुत ज्यादा तेज जल रही है और हमारा पराठा सिक रहा है। लड्डू ऑयल लगा दो जरा पराठे पे। लाओ मैं लगाती हूँ। हम इससे पलट देते हैं अपने पराठे को। ये हमारा छोटा सा चिमटा। गाइज इस मिनी चैलेंज ने मेरा तेल निकाल दिया है पूरा क्योंकि मुझे बड़ी बड़ी हमारा मिनी पराठा रेडी है, अब हम इसको खाएंगे। वाओ देखने में तो बहुत ही यम लग रहा है लड्डू, बस ये जला ना हो, बस ये जला ना हो, मैं फिर इसको फटाफट खा लूंगी। गाइस ये हमारी प्लेट में चिपक गया है, हमारे पास तवा नहीं था। वाओ कितना अच्छा पराठा बनाया मम्मी ने, ये मैंने कर दिखाया। देखिए फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स आलू भी है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि खाली खाली पराठा है। मैं भी टेस्ट करके देखूं, सच में अम्मी है। खाओ खाओ, पेट भर जाएगा इससे तो हमारा, दो दिन तक खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैवी है ये।